तो चलो आने दो भाई, क्या प्रोडक्ट है? ओ बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप अनुमान लगाइए इसमें क्या होगा। वो पेड प्रमोशन नहीं है, 3150 रुपए मैंने पे किए, केरला से आते हैं भाई। क्या हालचाल आप सभी के, उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज हम एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और वो भी दरअसल मोटो व्लॉगिंग सेटअप से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। तो चलो आने दो भाई, क्या प्रोडक्ट है? ओ बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप अनुमान लगाइए इसमें क्या होगा। तो मैं आपको बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये दरअसल मैंने मंगवाया है जेसी क्राफ्ट से, और तकरीबन इसका प्राइस है 3150 रुपए के आसपास। सोचिए क्या होगा, जेसी क्राफ्ट वाले क्या ज्यादातर चीजें बनाते हैं। चलिए बिना पहेली बुझाए इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारे हीरो एक्स पल्स जो गाड़ी है उस पर हम सेडल बैग स्टैंड के तौर पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत शानदार क्वालिटी और बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। वाव यार, ये एक हिस्सा होगा इसका और ये होगा इसका दूसरा हिस्सा। ओ इसमें और कुछ लगा हुआ है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये ऐसे दोनों साइड में आपको लगती हुई दिख जाएगी, ऐसे ये भी हम अभी सेट करवाएंगे उसको। ये देखिए, वाह यार बहुत गजब, बहुत बढ़िया। हा। और क्योंकि दोस्तों सेडल बैग हमारे पास वाई तरह के लहे वाले हैं, मैंने एक वीडियो में उनके बारे में बताया है, तो वो दरअसल जब हम टांगते हैं गाड़ी पे लटकाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए स्टैंड होना जरूरी है, नहीं तो आपका साइलेंसर वगैरह से गर्म होकर जल जाए, घिसा जाए। तो हमने ये मंगवाए हैं, इनके साथ ये आए हैं टूल्स, ये सारे नट बोल्ट वगैरह है, इनको हम ना खोले अभी, आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, ये इनमें लगेंगे। तो हम दरअसल लगवाने वाले हैं हीरो एक्स पल्स में। तो चलिए अब चलते हैं, इसको हम जो मैकेनिक होता है गाड़ी में लगाने वाले उससे लगवाएंगे। फाइनली गाइस हमने लगवा लिए सेडल बैग स्टैंड, और ये आती है जेसी क्राफ्ट की तरफ से। ये इतनी मजबूत है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी शानदार तरीके से इसकी फिटिंग हो जाएगी और इतने अच्छे तरीके से मेरे हीरो एक्स पल्स पर ये फिट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में आपको नहीं दिखा पाया, डायरेक्टली मैंने लगवा लिए, और देखिए बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है, हिलती डुलती बिल्कुल नहीं। आप किसी भी ऑफ रोड पर चले जाओ, उबड़ खाबड़ पहाड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए कि ये एक ऐसा जगह दी गई है, यहाँ पर आप कुछ भी पानी की बोतल या जो भी आप रखना चाहते हो सामान छोटा मोटा, यहाँ आप ऐसे रस्सी बांध कर यहाँ रख सकते हो, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। और देखिए यहाँ पर भी ये इधर के नट जो आते हैं इसके साथ ही वो लगे हुए, वो भी शानदार तरीके से फिट हो गए हैं। और एक यहाँ से फिटिंग मैं आपको कहूंगा कि दरअसल ये इतनी शानदार तरीके से फिट हुई ना कि हिलने डुलने का नाम नहीं, मैं हिला देता हूँ, ये पूरी बाइक निकल हिल गई, पर ये नहीं हिलती, ये तो बहुत मजबूत मुझे लगी। 3150 रुपए के आसपास पड़ी है मुझे, लेकिन दिल खुश हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टैंड देखी थी साइड वाली, लेकिन वो मजे नहीं आ रहे थे जो मुझे चाहिए थे। और मुझे जब तक मजे नहीं आते ना, परफेक्ट चीज नहीं मिलते ना, मन मानता नहीं है। तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया कि मैं जेसी क्राफ्ट वालों की मंगवा के ही लगाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी है, टूर के लिए रेडी हो चुकी है हमारी बाइक,
जल्दी हम चाहे तो इस पे हम बैग रख सकते हैं, चाहे हम साइड में लटका सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हो। तो ये हमारे सैडल बैग स्टैंड का पूरा काम हो चुका है। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताएं, ठीक ठाक लगाओ, अच्छी जानकारी मिलती हो। और हाँ, एक चीज बता दूं, अगर आपको सस्ते लगवाना है तो इस तरह के सस्ते भी लग सकते हैं, लेकिन हीरो एक्सपल्स के लिए इससे बेहतर थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपको बहुत मजबूती और शानदार फिटिंग इसके अलावा शायद नहीं मिलेगी जहां तक मुझे पता है। तो ये था आपके भाई का रिव्यू। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, 3150 रुपए मैंने पे किए, केरला से आती है, बाई पोस्ट आती है, और दरअसल बहुत शानदार तरीके से रिस्पॉन्स रहता है जो कंपनी के मालिक है उनका। व्हाट्सएप पर बात होती है, वो वीडियो कॉलिंग, और जो भी आप करना चाहते हो पूछना पूछ सकते हो। तो यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताएं, जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। गुड बाय।